गुड मॉर्निंग, वेलकम यू ऑल इन बीएमपीएस क्लासेस। आज हम क्लास थर्ड की फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्लास लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, वन शॉपकीपर हैड 835 मैन मोर। एक दुकानदार है, शॉपकीपर का मतलब होता है दुकानदार। एक दुकानदार है जिसके पास कितने मैंगो हैं? 835 मैंगो हैं। कितने मैंगो हैं? 835 मैंगो हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है ये। एंड और उसी में कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है, एंड और 657 एप्पल इन हिज शॉप। उसके दुकान पे कितने एप्पल्स हैं? 657 एप्पल्स हैं। ठीक है, 657 एप्पल हैं। आगे क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, हाउ मेनी मैंगोज एंड एप्पल्स ही हैड इन हिज शॉप। उसके पास कितने आम और एप्पल मिला के कुल कितने फल हैं? ठीक है, तो जब पूरे का पूछ रहा है, पूरे का पूछेगा, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद चलिए ऐड करके देखते हैं। 5 और 7 12 का 2 कैरी 1, 3 और 5 8 और 1 कैरी का 9, 8 और 6 14, यानी कि टोटल उसके पास कितने हो गए फ्रूट्स? टोटल फ्रूट्स हो गए 1492। आप इस क्वेश्चन नंबर 25 से लेके जितना भी मैं आज क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप रफ कॉपी लेके अपने साथ बैठे ताकि आप उस चीज को नोट डाउन कर सके और समझ सके। पहला, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में कहा गया है, एक दुकानदार है जिसके पास 835 मैंगो है और उसी के पास 657 एप्पल्स भी हैं। ठीक है, अब इन दोनों फलों को मिला के उसके पास कुल कितने फल हो रहे हैं वो हमें बताना है। तो हम ऐड कर देंगे इन दोनों की संख्याओं, इन दोनों संख्याओं को, अंकों को अगर ऐड करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल फ्रूट्स कितने हैं, टोटल कितने फ्रूट्स हैं। ठीक है, आगे की क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है, वन चेयर कॉस्ट 456 रुपीस। क्वेश्चन नंबर 26 कहा जा रहा है, वन चेयर कॉस्ट 456 रुपीस। एक चेयर है, वन चेयर का दाम कितना है? 456 है। एक चेयर यानी कि जो बैठने वाला चेयर होता है वो, उस चेयर का दाम कितना है? 456 रुपीज है। एंड अदर चेयर कॉस्ट इज 566। और एक और चेयर है जो इससे थोड़ा अलग है, एक जो है ये प्लास्टिक का मान लीजिए। ठीक है, प्लास्टिक का जो चेयर है वो 456 का हो गया, और जो दूसरा चेयर है वो है लकड़ी का बना हुआ चेयर है जिसका दाम कितना है? 566 रुपीज। 566 रुपीज हम सपोज कर रहे हैं, मान रहे हैं, ऐसा दिया नहीं गया है, हम सपोज कर रहे हैं। ठीक है, 66 रुपीज है। राहुल बाय बोथ चेयर। राहुल नाम का जो लड़का है वो ये दोनों चेयर खरीदना चाहता है। हाउ मच रुपीज ही स्पेंट ऑन चेयर। तब वो कितना रुपया इन दोनों कुर्सियों को खरीदने के लिए कितना रुपया स्पेंड करेगा, कितना रुपया खर्च करेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। 6 6 12 2 कैरी 1, 6 5 11
और 1 12 टू कैरी 1 5 और 4 9 और कैरी 1 10। ये रुपीज है, कितने रुपीज उसको खर्च करना पड़ेगा, 1022 रुपीज को स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके राहुल दोनों चेयर को खरीद सकता है। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन तो लगाने में आपको दिक्कतें महसूस होंगी। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए, जरूर समझ में आएगा। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है वो आप देख लेते हैं। ऑन द मैंगो ट्री देयर आर 767 लीव्स। एक आम का पेड़ है, एक आम का पेड़ है जिस पे लीव्स हैं, यानी कि पत्तियां हैं, कितनी पत्तियां हैं, 767। एक पेड़ है जिस पे लीव्स हैं और उनकी संख्या कितनी है, 767। ठीक है, आउट ऑफ देम 560 लीव्स फॉल ऑन। उनमें से जो है 560 क्या लीव्स क्या हो जा रही है, फॉल ऑन हो जा रही है, यानी कि गिर जा रही है। उसमें से कितनी पत्तियां गिर रही हैं, 560 गिर जा रही है। हाउ मेनी लीव्स लेफ्ट ऑन द ट्री, तब उस पेड़ पे कितनी पत्तियां बची होंगी ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या से 767 तो इतनी लीव्स हैं, और जब इतने लीव्स हैं तो उसमें से इतना लीव्स क्या हो रहा है, फॉल डाउन हो जा रहा है। तो जब इतना फॉल डाउन हो रहा है तो इतने को हम अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें आंसर का पता चल जाएगा। यहाँ पे 7 0 और यहाँ पे 2, यानी कि 207 लीव्स बचे रह जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, अगर नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, इस क्वेश्चन को दोबारा समझाया जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या क्या है, रोहन ईट्स डेली 6 बनानास। रोहन नाम का एक लड़का है, रोहन नाम का एक लड़का है जो 6 केले हमेशा खाता है। ठीक है, एक दिन में कितने केले खा रहा है, 6 केले खाता है। ठीक है, तो इन 54 डेज, तब वो 54 डेज में 54 दिन में हाउ मेनी बनानास ही ईट्स, तब वो 54 दिन में कितने बनानास, कितने केले को खा लेगा ये बताना है। अगर एक दिन में आपको 2 रुपए दिए जा रहे हैं, तो अगर एक हफ्ते में पूछा जाए कि एक हफ्ते में तब आप कितने रुपए स्कूल में लेके जाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि 7 2 14, एक हफ्ते में आप कितने रुपए खर्च करते हो, 14 रुपीज खर्च करते हो। सेम यही क्वेश्चन है कि अगर एक दिन में रोहन नाम का जो लड़का है वो 6 केले खाता है, एक दिन में कितने केले खाता है, 1 day में 6 बनाना खाता है। ठीक है, तो कितने डेज का पूछ रहा है, 54 डेज, तो 54 डेज इक्वल टू 6 into 54। अब क्या करेंगे, रफली यूज करेंगे, 54 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24 का 4 कैरी आया 2, 6 5 30, 30 और 2 32, यानी कि टोटल कितना हो गया, 324 बनानास। अगर एक दिन में वो 6 केले खा रहा है तो 54 डेज में कितने केले खाएगा, 324 केला वो खा लेगा। ठीक है,
आगे की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, यहां तक समझ में आया? अगर नहीं आ रहा हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर आप पूछिएगा। नेक्स्ट 29, द प्रॉफिट ऑफ कंपनी इज 4576 रुपीज। एक कंपनी है, कंपनी मतलब जहां वर्कर्स काम करते हैं, जहां पे जैसे मान लीजिए आपके जूते जहां बनते हैं वो कंपनी है। उस कंपनी में एक आदमी है जो 4576 रुपीस का क्या करता है, प्रॉफिट करता है। जो सामान बेचे जाते हैं, जैसे दुकानदार अगर कोई सामान लेके आता है, वो सामान को फिर प्रॉफिट के साथ बेचता है, बिना प्रॉफिट के वो बेच नहीं सकता है। अगर 2 रुपए का पेंसिल वो लेके आता है तो हम लोगों को वो 3 रुपए पे बेचता है, तो यानी कि उसके जो प्रॉफिट होता है वो कितने रुपीज का हो रहा है, 1 रुपीज का हो रहा है। सेम वही यहाँ पे है, एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट कितना है, 4576। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सॉरी 29। क्वेश्चन नंबर 29, एक कंपनी है जो कितने का प्रॉफिट कर रहा है, 4576 रुपीज का प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। विच इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 2 पर्सन, जो दो बराबर लोगों में बांटना है, दो लोगों में बांटना है लेकिन बराबर। जैसे अगर आप दो भाई होते हैं तो जब पापा आपके पैसे देते हैं तो क्या करते हैं, आपको 2 रुपए देंगे तो आपके छोटे भाई को भी 2 रुपए देंगे, अगर आपको 5 रुपीज देंगे तो छोटे भाई को भी 5 रुपीज देंगे। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे कहा गया है कि 4576 रुपीज का जो प्रॉफिट है, यानी कि लाभ है, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, लाभ है, वो दो भागों में डिवाइड करना है और दोनों को बराबर मिलना चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, दो लोग हैं ना तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर का पता चल जाएगा। आइए डिवाइड करते हैं, 2 2 4 कैंसिल, 5 आएगा, फिर 2 2 4 5 में से 4 जाएगा 1, यहां से 7, 2 8 16, 1 ये कैंसिल, अब 6 आएगा, 2 8 16, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, हमारा आंसर जो आया है वो आंसर क्या है, 2288 हमारा रुपीज पर पर पर्सन होगा। दो लोगों में बांटना था, दो लोगों में बांटने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, अगर 2288 रुपए यानी कि 2288 रुपीज एक पर्सन को देंगे तो दूसरे पर्सन को भी 2288 रुपीज देंगे, तब जाके हमारा दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो आप उस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जरूर बताइएगा। और एक चीज मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन को इधर लगाने बैठते हो, मैथ के क्वेश्चन को लगाने बैठते हो, तो सबसे पहले आपका कार्य होता है कि आप अपने पास जो है एक रफ कॉपी और पेंसिल या पेन रखे रहो, ताकि जब भी क्वेश्चन को बताया जाए तो आप क्वेश्चन को उस समय समझने के साथ साथ उस चीज को नोट डाउन भी करते रहो कि किस प्रोसेस के अनुसार उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, ड्रा द फॉलोइंग फिगर इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में फिगर को बनाना है, ठीक है। तो फिगर को बनाने के लिए आपको कुछ दिए गए हैं, ए लाइन, ए लाइन का मतलब होता है एक लाइन जो होता है, जैसे एक वायर जो होती है वो हमारी क्या होती है, लाइन होती है, तो अगर हम एक वायर के सिंबल अगर दे देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। और ए लाइन सेगमेंट, अगर एक वायर ही बना रहे हैं, लाइन भी बना रहे हैं, और लाइन जैसे एक लाइन बना रहे हैं, ये हमारा लाइन हो गया, ठीक है। और इसी लाइन के
दोनों तरफ अगर हम एरो लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, एरो लगाए या फिर पॉइंट भी लगा सकते हैं, तो हमारा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अ लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, अ लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको सारे फिगर बनाने हैं, ठीक है, जो पिछले क्लास में आप बना चुके हो फिर वही आपको बनाने हैं, बहुत इजी है, आप खुद से बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 31। 83 हैज टेंस एंड वंस, कितने टेंस होंगे 83 में, 83 अगर लिखा जा रहा है 83 में कितने टेंस होंगे, तो टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये 1 हो गया और ये टेंस हो गया, तो टेंस की जगह पे हम क्या होगा 80 और वंस की जगह पे क्या होगा 3, ठीक है। तो दो फील अप करने के लिए दिया है, पहले टेंस पूछ रहा है तो टेंस की जगह पे 80 होगा और वंस की जगह पे 3 होगा। अब पूछ रहा है कि हैज 6 टेंस, टेंस की जगह पे वैल्यू क्या है 6 टेंस है एंड 8 वंस है, एंड 8 वंस है, तो ये टोटल वैल्यूज कितनी होगी वो हमको बताना है। तो अगर 6 टेंस है तो 6 लिखेंगे और 8 वंस है तो 8 यहां पे लिखेंगे, तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा 68, तो 68 हम फिल अप करेंगे। 450 कम्स जस्ट बिफोर, 450 के बिफोर की संख्या को लिखना है, ये आप खुद लिख सकते हो। उसके बाद से 342 कम्स जस्ट आफ्टर, 342 के बाद कौन सी संख्या आती है वो लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन है ई, 3 कंसेक्यूटिव न्यूमरल्स आफ्टर 635, जो दिया गया है 3 कंसेक्यूटिव न्यूमरल्स, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार जो आगे की आने वाली संख्या है वो लिखना है, और कितने तक लिखना है 3 डिजिट तक लिखना है। जैसे 635 दिया गया है आफ्टर 635 दिया हुआ है। अब इसका 3 कंजुगेटिव नंबर पूछ रहा है, 3 कंजुगेटिव नंबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 636 637 638, ये हमारा कंजुगेटिव नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर एफ में कह रहा है 5 कंजुगेटिव न्यूमरल्स जस्ट बिफोर 943। अब इसके जो इसका 5 कंजुगेटिव नंबर लिखना है जो 943 के बिफोर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट नंबर कम्स बिटवीन 542 एंड 544। ये क्वेश्चन में कल के क्वेश्चन में बताया था कि 542 से लेके 544 के बीच की संख्या जो है लिखने के लिए क्या कहा जा रहा है, तो वो आप लिख सकते हैं। 542 के बाद क्या आता है 543 आता है, तो और उसके बाद से 544 दिया है, तो बीच का संख्या जो लिखना था वो हमारा क्या होगा 543 होगा। क्वेश्चन नंबर एच पे चलते हैं, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट फॉल बाय 852, 852 का यूज करते हुए हमको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, तो 852 का यूज करते हुए अगर ग्रेटेस्ट नंबर बताना है तो एज इट इज सबसे पहले हम बड़े वाले को लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे छोटा नंबर, फिर लास्ट में सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाता है सबसे लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। और इसी का अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछता है तो हम जस्ट इसके विपरीत लिखना शुरू कर देते हैं, पहले 2 लिखेंगे फिर 5 लिखेंगे फिर 8 लिखेंगे, तो ये हमारा जो है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा, ये कल का ही मैं बताया हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही आपको नंबर्स बनाने हैं, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। फर्स्ट मैंने बना दिया है, बाकी सेकेंड
और थर्ड आपको खुद बनाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आई पे चलते हैं। 5 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं? 5 केजी में कितने ग्राम होते हैं? हमको पता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो 5 केजी में हो जाएगा 5 × 1000, टोटल हो जाएगा हमारा 5000। इसको देख लेते हैं। कह रहा है 5 केजी क्वेश्चन नंबर आई 5 केजी इक्वल टू बॉक्स दिया है, फिर यहां पे कितने ग्राम होंगे तो हम जानते हैं 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 5 केजी इक्वल टू 5 × 1000 इक्वल टू 5000 ग्राम, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम। अब जब 1000 1 केजी में हो रहा है तो 5 केजी का लिखेंगे तो 5000 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जे। 6 मीटर है सेंटीमीटर, 6 मीटर है दिया है यहां पे क्वेश्चन नंबर जे। 6 मीटर ब्रैकेट दिया हुआ है और यहां पे दिया है सेंटीमीटर। ये 5000 है तो 5000 यहां पे फिल कर देंगे, ठीक है, यहां पे दिया गया है। तो इसमें आप देखते हैं हमारा जो 1 मीटर होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 6 मीटर इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 6 × 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 600 सेंटीमीटर, और इसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे फिल कर देंगे, 600 को फिल कर देंगे, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब पूछ रहा है 8 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 8 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? क्वेश्चन नंबर के है। हम जानते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो 8 किलोमीटर इक्वल टू 8 × 1000 इक्वल टू 8000 क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, और ये हमारा आंसर होगा 8000 मीटर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर होगा, ये हमारा क्या है आंसर है। यहां तक समझ में आया? और आपका ये चैप्टर इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है, तो कोशिश कीजिएगा कि आपको हर क्वेश्चन समझ में आए, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए। और एक चीज कि जब भी आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अपने पास एक रफ कॉपी को जरूर रखें, ताकि उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सके, समझने की कोशिश कर सके, और जब आपके समझ में ना आए तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और उस क्वेश्चन को हम लोग जरूर आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।